यार फैसल इलेक्शंस आ रहे और कुछ मिसिंग लग रहा है, पता नहीं क्या। रैलियां नहीं, जल, रैलियां जलसे नहीं। वलसे नहीं, जलसे भी मिसिंग नहीं, उसमें नहीं है वो, उसमें कुछ और मिसिंग है। नारे, अरे नारे, हाँ नारे नहीं है, मिस हो रहे हैं इस दफा, ना नारे हैं ना कुछ है यार। सारा हमें तो भाई वही याद है, पहला वाला जो सबसे सियासी गाना 86 में आया था, आप तो छोटे से होंगे। आप गानों की बात कर रहे हैं, गानों की बात आप कर गानों रहे की नारे बात नहीं, हाँ, हाँ। गानों की बात करो। नारे तो आज भी बनते हैं मेरे ख्याल से, नारे तो बन जाते हैं गाने। ओरिजिनल गाना बनाया था हमने 1986 में, लियारी के एक हमारे मौसीकार थे, उन्होंने बेनजीर की आमद पर गाना बनाया था। क्या था वो बेनजीर वाला गाना, पीपीपी का दिला तीर क्या बजे, वही वो जिसपे इंडिया ने छाप दिया था बाद में, अमिताभ की फिल्म थी एक, उसमें गाना था। इंडिया ने छापा था, हमने छापा था। अरे यार बलोची ट्यून है, हम क्यों छापेंगे भाई, हम बलोची ट्यून थी, लियारी के साहब थे जिन्होंने बनाया था वो बलोची फोक ट्यून। मुझे याद है अमिताभ और जया प्रदा को डांस करते हुए याद है, दोनों डांस कर रहे हैं, वो मैं ना झूठ बोलूं, मैं ना कुफर तोलूं, मैं ना झूठ बोलूं, ये गाना। फिल्म कौन सी थी? फिल्म थी इंसानियत मेरे ख्याल से। अरे मेरे भाई, हाँ, इंद्रजीत फिल्म थी, जिसमें अमिताभ और कुमार गौरव पहली दफा साथ आए थे। आर डी बर्मन ने ये हरकत की थी। आर डी बर्मन साहब थे तो बहुत जबरदस्त म्यूजिशियन, लेकिन वही के उनका आखिरी टाइम चल रहा था, हो गई उनसे गलती, कॉपी मार लिया उनने, उसके बाद उनके साथ जो हुआ है याद है? किया? वो हमने किया। किसने? तुमने किया? नहीं मतलब वो कराची वालों ने किया। कराची वाले तो किसी के पीछे लग जाए तो उसको घर छोड़ के आते हैं भाई। हाँ, उसके बाद हमने, मुझे याद है यार, अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, हो सकता है आगे पीछे हो जाए थोड़ा सा, 91 के बाद ही किया होगा, जो भी किया होगा। हाँ मेरे ख्याल से भाई, मुझे बचपन में ना कुछ कैसेट्स याद है, वो आते थे। अच्छा। और उन कैसेट्स के अंदर हमें वो गानों की झलक आती थी, हम कहते थे यार ये गाना सुना हुआ है, लेकिन वो गाना होता था एक पार्टी के ऊपर। गाने कौन से थे मुझे याद करना? मिसाल के तौर पे एक गाना मुझे आज भी याद है, नारे हम मिलकर लगाएंगे, MQM तुझको जिताएंगे, हम हैं हक परस्त वो, ये जहां रंगी बनाएंगे। यार मैं तो कहता हूँ भाई ओरिजिनल से अच्छा है गाना ये। यार ये भी ओरिजिनल नहीं था, ये जो आप गा रहे हैं ये तो थर्ड कॉपी हुई ना, क्योंकि जिंदगी मिलके बिताएंगे हाल ही में, सत्य पे सत्ता, सत्य पे सत्ता ने उठाया था ये। हाँ, तो हम थर्ड कॉपी हैं एक्चुअली, हम थर्ड कॉपी थे, हमने हॉलीवुड की कॉपी की। आर डी बर्मन की फिर और कौन सी कॉपी की हमने? आर डी बर्मन की, हाँ, अगर मैं आपको बता दूंगा ना, अल्ताफ हमारे इस दिल में धड़कन की तरह से रगता है, पहचाने गाना? अफसोस कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता। पड़ोसन, अरे भाई पड़ोसन, पड़ोसियों की बजा दी आपने। हमने पड़ोसियों की बजा दी। पड़ोसियों को पड़ोसन बना दिया आपने। तो उसके बाद दो हो गए ना, आर डी बर्मन के बिल्कुल आखिर का, आर डी बर्मन के बिल्कुल शुरू का, और क्या है? और एक आपने लास्ट भी सुना होगा, कराची में रहता हूँ और आपने वो गाना ना सुना हो। नहीं यार मैं भूल के इस बार रहता हूँ। नहीं वो गाना हर जगह बेहतर, कायद मेरी जान, हुए, हुए, हुए। मैं तेरे कुर्बान, अरे मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। तो फिल्म थी शान और हमने बड़े शान से ये गाना मुंबई से कराची ट्रांसफर कर दिया। करीब है मुंबई कराची, सही है, चलता है। तो अच्छा बड़े मजे की बात हो गई इसमें एक और, हाँ, ये गाना रफी साहब ने भी गाया, हाँ, ये गाना किशोर कुमार ने भी गाया, वो गाना कराची में भी आया, तो तीन सिंगर्स हो गए इसमें। यहाँ किसने गाया? यहाँ आए थे खालिद उमर साहब होंगे, वो जमाने में गाने गाया करते थे MQM के। अच्छा भाई, तो आर डी बर्मन ही को घर पहुँचाया या किसी और भी आपने? नहीं नहीं, मुझे एक गाना और याद है, अगेन वो बहुत मशहूर गाना था, वो तो आज तक शायद किसी लोगों को याद होगा, आई एम श्योर। आपको दिलीप कुमार याद आएंगे? दिलीप कुमार ही कौन सी फिल्म का गाना है भाई? दिलीप कुमार, जोर का थप्पड़, ओह डॉक्टर डैंग, अच्छा भाई कर्मा, कर्मा, और उसका गाना मशहूर गाना, इसका मशहूर गाना, चलो मैं आपको सुना देता हूँ पहले, दिल दिया है जान भी देंगे, MQM तेरे लिए, और आगे
हम जिएंगे और मरेंगे वहाँ ए वतन तेरे लिए। तो यहाँ पर MQM तेरे लिए। और भी उन्होंने कोई किया हो? ये देखिए शुरुआत तो हमारी मतलब अगर मैं MQM की बात करूँ तो वो तो हुई थी एक पाकिस्तानी गाने से। वो तो शायद वो ऐसा गाना है कि गा सकते हैं वैसे। कौन सा यार अब पता नहीं गा दूँ ये ना कि फिर मैं और आप मसलन के मसले में ना जाए हमको। अच्छा क्या था यार? साथी साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। साथी दीपू भट्टाचार्य की म्यूजिक थी समंदर फिल्म। ओके ओके ओके। और 1968 जहाँ तक मुझे याद है। एक गाना था 90s का, कौन सा था क्या था? देखे आप गाने उस दौर में कोई बना ले, हीरो कोई भी हो, नाम एक ही होता था उसके अंदर। कौन? वो जिस पे मरना गवारा है मेरा कायद है। मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। ये दीवाना मुझसे नहीं, 1990। दीवाना नहीं लेकिन दीवाना मुझसे नहीं। हाँ आर यू श्योर के आपने गाना वही? अरे यार दीवाना मुझसे नहीं 1990 में जब आई है फिल्म। हाँ। तो वो पूरी छापी हुई थी हमारी पाकिस्तानी फिल्म। हाँ। हसन अस्करी साहब की बेकरार जनाब जनाब। और उसका ओरिजिनल गाना था ये। मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो। इसी तरह जहाँ तक मुझे याद पड़ता है नून लीग के भी गाने आए और पीटीआई के भी गाने आए। हाँ, हाँ, पीटीआई तो खैर बच्चा। हाँ, है इन सब जमातों के सामने। हाँ, और अभी अच्छा, भी इनका भी लेकिन पीटीआई के अंदर भी एक कॉपी है। कौन सा? और इत्तेफाक की बात ये है यार कैसे पीटीआई के गाने तो अताउल्लाह ईसा खिलजी ने गाए हैं। हाँ, और अबरार उलग ने गाए हैं। हाँ, और राहत फतेह अली ने गाए हैं। हाँ, तो कैसे कॉपी हो? ये बात मानने वाली है उन्होंने इन्वेस्टमेंट जबरदस्त की थी कि भाई खैर अबरार तो उनका अपना सिंगर था ठीक है, लेकिन जो उनका एक गाना जिसमें खुद इनके गवर्नर सिंह मौजूद थे। ओ रोक सको तो रोक लो, रोक लो जनाब। ये किसी कॉपी थी? ये तो अच्छा MQM ने तो गानों को छापा था। हाँ, इन्होंने भजन को ढाली। अरे बंक्या माँ को मेलो दिखा दो मारी ना। रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे। बलूचिस्तान से कहानी शुरू हुई और राजस्थान में खत्म हुई जनाब। ये हो सकता है। हाँ। और बस यही है कि अब बाकी हमारी जमात इस्लामी थी आपको पता है गानों पे तो नहीं जाती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अमेरिका को पकड़ के रखा। आलिम दहशतगर्द अमेरिका, दहशतगर्द इस्लाम नहीं, वो उनके वो इन भी इनमें चले, वो गानों की तरफ इतने खास नहीं आ पाए। बोलो इलेक्शंस में टाइम वैसे तो बहुत कम रह गया। हाँ। और इस दफ़ा कोई गाने सुनने में नज़र नहीं आए यार। बस अल्लाह करे कि जो भी हुकूमत आए वो कम अज़ कम बातों और नारों से निकल कर आगे का काम करे, ज़रूरत हमें उनकी है। ये बात तो सही है। लेट्स होप के हाँ बातों और गानों से आगे बढ़ के अमली कुछ काम भी देखें हम।